हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग विद ईज़। तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी जो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और इन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्पीकिंग इंग्लिश, कॉमन फ्रेजेस टू से बिज़ी। तो पहले हम वो सारे फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो आप, अगर आप बिज़ी हो अपने फ्रेंड्स को या किसी रिलेटिव को, कुछ भी बिज़ी होने के लिए आप क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव नो फ्री टाइम। इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू फॉर डूइंग समथिंग, इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम, यू आर बिज़ी, यू कैन से दैट आई हैव अ नो फ्री टाइम। सेकेंड सेंटेंसेज यू कैन यूज़ आई एम सो बिज़ी। थर्ड, माई हेड इज़ स्पिनिंग। If someone is asking, you are so busy, you are so much busy, and someone is asking to do some work for him or her, you can say that my head is spinning. Fourth is, I have no time. Fifth, you can say that I am so busy, I do not sure if I am coming or going. मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मेरे को यही नहीं पता मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। Sixth sentence is, I have so much on my plate, I am so busy. मेरे पास इतना काम है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। सेवन्थ इज़, आई एम सो बिज़ी दैट आई कैन नॉट ब्रीथ। इतना बिज़ी हूँ कि सांस तक नहीं ले पा रहा। एट्थ इज़, आई एम टोटली बुक्ड फॉर अ व्हाइल। अभी जो है, अभी कुछ टाइम के लिए मैं टोटली बुक्ड हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। नाइन्थ इज़, आई एम ट्राइंग टू कीप माई हेड अबव वाटर। मैं कोशिश कर रहा हूँ भी जितना भी मेरा बर्डन है मैं उससे बाहर आ सकूँ। टेंथ सेंटेंस यू कैन यू दैट माई हेड इज़ स्पिनिंग, आई हैव सो मच वर्क। 11th, I do not have time for anything. 12th is, I have a very hectic schedule. मेरा जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। 13th is, I am jammed packed. I do not have any time. 14th and last sentence for busyness you can use, I have a tight schedule. I do not have time. Speaking English, common phrases to say hungry. जो next sentence है वो हम use कर रहे हैं। अगर आप hungry हो तो वहाँ पे आप क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज़, ईट लाइक अ होर्स। यू कैन यूज़ आई कैन ईट लाइक अ होर्स, आई एम वेरी हंग्री। सेकेंड, फैमिश्ड, आई एम फैमिश। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हंग्री हंग्री वर्ड, यू कैन ऑल्सो से दैट आई एम फैमिश्ड। थर्ड वन इज़, हंग्री एज अ वॉल्फ। आई एम हंग्री एज अ वॉल्फ, आई डिड नॉट ईट ऑल डे। मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया। फोर्थ इज, आई एम हंग्री। यू कैन सिंपली से दैट आई एम हंग्री। फिफ्थ, पैकिश, I am feeling peckish means I am feeling hungry. Sixth is dying of hunger. अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा भूख लगी, you can say that I am dying of hunger. I did not have time to eat lunch. Seventh is my stomach is growling. You can say that my stomach is growling. I want to eat. Common phrases to say no money. If you don't have any kind of money or कुछ टाइटनेस चल रही है मनी को लेकर, कोई आपसे मांग रहा है या किसी को आपने एक्सप्लेन करना है, सो यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ फ्रेजेस फॉर दैट सिचुएशन। फर्स्ट इज़ ब्रॉक, आई एम ब्रॉक, लाइक आई डोंट हैव अ मनी, आई एम ब्रॉक। सेकेंड इज शॉर्ट ऑन कैश, आई एम शॉर्ट ऑन कैश दिस वीक। थर्ड वन इज़ बैंकक्रॉप्ट, आई एम बैंकक्रॉप्ट अंटिल आई गेट माई पे चेक। जब तक मेरे कुछ नहीं मिल जाता, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। फोर्थ इज लैकिंग फंड्स, आई एम लैकिंग फंड्स, आई डू नॉट हैव मनी टू गो आउट। फिफ्थ वन इज़ पुअर हाउस, आई एम इन द पुअर हाउस, स्टिल आई गेट माई पे चेक। सिक्स इज थिंग्स आर प्रिटी टाइट, यू कैन से लाइक दैट थिंग्स आर प्रिटी टाइट नाउ, आई हैव नो मनी। सेवन्थ, आई एम डाउन एंड आउट अंटिल आई गेट अ जॉब। एट्थ वन इज एम्प्टी वॉलेट, यू कैन से दैट आई हैव एन एम्प्टी वॉलेट, आई डू नॉट गेट पेड फॉर अ फ्यू डेज। कुछ टाइम के लिए मैं कुछ भी पे नहीं कर सकता। नाइन्थ एंड लास्ट वन इज़ मनी इज़ टाइट, मनी इज़ वेरी टाइट, आई विल गेट पेड नेक्स्ट वीक। तो ये थे कुछ सेंटेंसेज जिनको आप अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में छोड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।